फिर से मेरे चैनल द एयर गनर में स्वागत है। तो दोस्तों काफ़ी बारिश हो रहा है, उसके का नाम नहीं है। तो दोस्तों मैं आज फिर से जो है एक नए एयर एप्पल के साथ जो है आया हूँ। तो ये एयर एप्पल जो है बिल्कुल भी मेरे लिए नया है, मैंने कभी चलाया नहीं है और काफ़ी सारे भाई लोग ने इनका अनबॉक्सिंग कर चुका है और जो है काफ़ी सारे भाई लोग ने जो भी है यूज़ कर रहा है। तो मुझे तो पता नहीं ये कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। तो आज के वीडियो में बस मैं इनका जो है अनबॉक्सिंग करके देखूंगा और स्पेक्स वगैरह क्या क्या है तो वो सब देखने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसका परफॉर्मेंस, इसका एक्यूरेसी, इसका पावर और क्या क्या जो चीज़ें हैं, अच्छाई है बुराई है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। जो भाई लोग जो है एयर एप्पल से जो है दिलचस्पी रखते हैं उन सारे भाई को जो शेयर कर देना है। तो चले वक्त जाया ना करते हुए फटाफट जो है इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहले मैं आपको पैकेट को दिखाता हूँ कि क्या गन है। ये आप जो है ये देख सकते हैं, ये आपका गियर कंपनी का है, GM10 कार्बाइन मॉडल है, यानी कि जो है बुलफोर्स मॉडल में है। तो चले फटाफट इसको खोलते हैं, ये बिल्कुल नया है मेरे लिए। और ओ यार चाकू कहाँ रख दिया भाई, भाई मिस्टेक हो गया। अब क्या से खोलूं, अब क्या से खोलूं, क्या से खोलूं यार, प्रॉब्लम हो गया, चाकू भूल गया मैं। यही लपरा है शायद जो बुढ़ापा की तरफ चला जा रहा है, उस दौरान बहुत चीज़ें मैं भूल जाता है। भूलने का मेरा जो है एक आदत है, आदत नहीं है एक्चुअली, काफ़ी जो है लंबा मैं बीमार हो गया था। उस दौरान जो है दवाई का साइड इफेक्ट जो है से जो है मेरा कान आँख और जो है मेमोरी जो है उन पर काफ़ी असर हुआ है। तो ये देखिए इससे मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, ये मिला है, ये हो जाना चाहिए। तो चाकू वगैरह भूल गया, गन को उतार के लेकर आ गया। हाँ ये भी काम चल रहा है, ये चाकू भी बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। देखिए ये टाइल्स का टुकड़ा जो है, तो दोस्तों ये है निकल के आ गया, अरे गिरना नहीं। तो पैकिंग इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे और मैं आपको जो है कैमरा को सामने ला के दिखाता हूँ कंपनी ने क्या क्या प्रोवाइड करा है। ये प्रॉपर ये एक इंडियन मेड है, इंडियन मेड PCP है जो है बुलपॉप स्टॉक में है। भाई लोग ये है इस प्रकार दिखता है एयर एप्पल जो है GM10 जो है कार्बाइन जो है गरे कंपनी का। तो आपको मॉडल वगैरह भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये साइड लीवर कॉकिंग मैकेनिज्म है, तो इसमें सीरियल नंबर वगैरह है GM10 कार्बाइन या कार्बाइन बोला जा सकता है। मैक्स 200 बार .177 कैलिबर। तो इसमें क्या है, एक 300 का मैगजीन है, सैंपल पैलेट है। ये क्या का है, ये आपका साइड जी स्मिथ का क्या है, सुपर इम्पैक्ट फिल प्रोप या नोजल बोला जा सकता है, वही दिया और कुछ तो दिया नहीं है, बोरिंग वगैरह दिया नहीं है। तो चलो दोस्तों एयर एप्पल को निकालते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार दिखता है, साइलेंसर जो है कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करा गया है। ये एक जो है आपका बुलफोप, इस साइज को जो है बुलफोप डिजाइन बोला जाता है, बुलफोप में है। तो ये देखिए तो बैलेंस तो सही लग रहा है भाई, थोड़ा सा मुझे वेट जो है आपका PX120 से जो थोड़ा सा हैवी लग रहा है, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें सामने से दिखाता हूँ, सेफ्टी सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, तब होगा सेफ्टी SF यानी कि फायर मोड, फिंगर सोते यहाँ लगा हुआ है गरे कंपनी। तो ये 20 mm का जो है रेल है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाला बात है, जो नॉर्मली स्कोप जो आता है जो बजट सेगमेंट में या जो भी हो, तो उसमें 11 mm में आपको जो है 20 mm का माउंट जो है आपको अगर इसको के साथ नहीं मिलता है तो उसको आपको एक्स्ट्रा वायर करके लगाना होगा।
ये सप्रेसिंग सिस्टम है, ये टैग वगैरह लगा हुआ है। इसका प्रेशर गेज है 200 बार तक भरने का, मैक्स फ्यूल प्रेशर जो है 200 बार। तो ये इसका फिल करने का जो डस्ट कैप, ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो दाइना आउटलो और इसका होक की तरह है, तो ये सब कैप वगैरह कोई भी होता है, कैप को खोल के निकल के लगाना होता है, तो इसमें गुम रहने का चांस नहीं है सप्रेसिंग। और इसका ये जो है, ये इसको लेमिनेट किया गया है। इस टेक्नोलॉजी को शायद जो है हाइड्रो डिपिंग बोला जाता है। वो एक किसी प्रकार का जो है पानी में लेयर रहता है, तो उसको दुबाने से इस प्रकार का जो है, इसका बट पेड है वो, ये ठीक ठाक है। तो ये है गन आपका। तो अभी तो दोस्तों मुझे यहाँ मैनुअल मिलना चाहिए था, मैनुअल मिला नहीं है। तो मैं जहाँ जो डीलर से लाया उनको मैं पूछेगा कि मैनुअल प्रोवाइड क्यों नहीं करा गया है, मैनुअल नहीं है। तो मैनुअल रहता तो उसमें सारा डिटेल रहता। तो इसके बारे में अभी जस्ट मैं ओवरऑल ही दिखा पाएगा क्या चीज़ें हैं। तो बैरल काफ़ी मोटा दिख रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया आपका, ये देखिए इसका ट्रिगर सिस्टम जो है, ये देखिए टू स्टेज बोला जाता है। तो मैं आपको पॉप करके मैं दिखाता हूँ। तो इसका ट्रिगर इस प्रकार का है। ट्रिगर जो है आपका ऊपर नीचे और इसको लेफ्ट राइट करा जा सकता है। ये जहाँ एलएम की चोटा है उसको लूज करके, तो किसी किसी जो है प्रिसिशन जो शूटर होते हैं उनको इसको सही तरह से यही जगह में चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ ठीक है, पर भी ये थोड़ा प्ले हो रहा है भाई, थोड़ा प्ले दिख रहा है। तो इसको टू स्टेज बोला जाता है। तो इसका कोकिंग सिस्टम इस प्रकार है। तो भाई ये थोड़ा सा बहुत लंबा खींचना पड़ रहा है भाई। देखिए इसमें हो गया कॉक। तो मैं वायर करके दिखाता हूँ, ये फर्स्ट स्टेज। ओ भाई, ये इसको मैं चलाने के बाद ही मैं आपको डिटेल में बता पाएगा। तो और एक बार दिखाता हूँ कॉकिंग, काफ़ी लंबा खींचना पड़ता है। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचना पड़ गया। ये है तो ये आप देखिए, ये साइड फर्स्ट, इसका पुल काफ़ी लंबा है, शायद एजनेस करने से ठीक हो जाएगा। तो मैं कभी यूज़ करा नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता पाएगा। तो थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, ये चीज़ है। और आपको सेफ्टी के बारे दिखाता हूँ। ये हो गया, ये देखिए अभी फायर मोड में, इसको सेफ मोड में करोगे तो ये आपका ये फायरिंग होगा नहीं। ये देखिए ये फायर नहीं होगा, आपका ट्रिगर को लॉक कर देता है तो फायर नहीं होगा। जैसे ही आप ये सेफ्टी को फायर मोड में ले जाएगा, जगह का भी थोड़ा दिक्कत है। ये देखिए, तो आप देखिए फायर हो गया। तो इसका सेफ्टी का डिजाइन जो है वाइल्ड कैट जो रहता है, एफएक्स वाइल्ड कैट, उसी के तरह डिजाइन करा गया है। वैसे ठीक है सेफ्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों इसको मैं प्रॉपर चलाने के बाद ही मैं आपको जो है इसके बारे में बता पाएगा। तो ये एक जस्ट अनबॉक्सिंग था और कैसे दिखता है वो ये दिखाने को था। और एक चीज़ इसमें ये दिया है आपका, सिंगल स्क्रू दिया है, दो स्क्रू देता तो काफ़ी बेहतर होता। तो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इनकेस ये गन आप मान के चलिए गिर कर जो है इस प्रकार लग गया, तो सिंगल स्क्रू में होता क्या है, वो ऊपर से ये सबसे पीछे में है, तो ये जो है आपका यहाँ से टूटने का काफ़ी चांसेस रहता है। तो डबल स्क्रू रहने से आपका जो है यहाँ रहता, तो आपका जो है सेफ्टी
यानी कि आपको एक भरोसा रह जाता है कि गिरने से भी कुछ नहीं होएगा। तो यह चीज थोड़ा दिक्कत है, और शायद हमको लग रहा है इसको खोलने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। जब आप एलिंग की आप घुमाएंगे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मान के चले यहाँ होल रहता इस तरह, इसके साथ होल, तो आप इसके ऊपर से जो लंबे वाला जो है एलंकी रहता है उसे बड़े अच्छे तरह से घुमाया जा सकता है। तो अभी मेरा पास एलंकी वगैरह नहीं है, मैं खोल नहीं पाएगा, जस्ट ये दिखाने का था। तो दोस्तों आज का वीडियो में उतना ही। ये है आपका जीएम एन कार्वेन जो है बुलपो स्टॉक में। तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उस पर मैं इनको प्रॉपर चलाऊंगा, एक्यूरेसी कैसी आएगा, उसमें क्या क्या खामियां मुझे मिलेगा वो भी मैं बताने को कोशिश करूंगा। तो चले भाई मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ। बस।